आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप 20 दिन सिर्फ पानी पे रहते हैं तो आपको आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने मिल सकते हैं। वाटर फास्टिंग के काफी सारे फायदे होते हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वाटर फास्टिंग उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो प्रेग्नेंट हो, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनका वजन कम हो, जिनको डायबिटीज टाइप 1 हो और जिनको माइग्रेन की समस्या हो। तो चलिए अब देखते हैं कि 20 दिन वाटर फास्टिंग करने से आप आपके शरीर में क्या क्या बदलाव देख पाएंगे। पहले के 2 दिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। आपको पहले के 2 दिनों में बहुत भूख लगेगी, आपको आपकी एनर्जी कम होते हुए नजर आएगी और आप बहुत इरिटेट भी हो जाओगे भूख के वजह से। और इस स्टेज पे आपकी बॉडी बैटरी सेविंग मोड पे चली जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कम एनर्जी यूज करेगी और आपकी बॉडी में क्लेंजिंग होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होने लगेगी इन पहले 2 दिनों में। इसके अलावा आपकी हार्ट को भी फायदा होना शुरू हो जाएगा। तीसरे दिन से 7वें दिन के अंदर आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करना चालू कर देगी। आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट्स कम होने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी और साथ ही आपको एनर्जेटिक भी फील होने लगेगा और आपको कम थकान महसूस होने लगेगी। पर इन दिनों में आपको सर में दर्द भी होगा और आपको अच्छी नींद आने में भी दिक्कत होगी। आपकी बॉडी को एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है और जब आप वाटर फास्टिंग पे होते हो तो आपको बाहर कहीं से भी ग्लूकोज नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वो फैट्स यूज करती है जो आपकी बॉडी में स्टोर रहता है। स्टोर्ड फैट यूज करने की वजह से आप अपनी बॉडी में से फैट्स रिड्यूस करने लगते हो, जिसकी वजह से आपका वजन कम होने लगता है। इसके साथ ही आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती है। एक हफ्ता सिर्फ पानी पे रहने से आप आपकी बॉडी में काफी सारे बदलाव महसूस करेंगे। आप एकदम पॉजिटिव महसूस करेंगे, पर साथ ही 8वां दिन आते आते आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा और आप थोड़ा सा बीमार भी महसूस करने लगेंगे। आपकी डाइजेशन में आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे क्योंकि आपकी बॉडी कोई भी टॉक्सिन का इनटेक नहीं करती है। इसलिए ये स्टेज पे आप स्ट्रेस महसूस करेंगे, पर ये स्ट्रेस आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहा होगा। आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं पानी के बगैर? काफी कम लोग होते हैं जो डे 15 तक खाए बगैर रह सकते हैं। अगर आपको आपकी बॉडी में सीरियस प्रॉब्लम नजर आ रही होगी तो डॉक्टर को एक बार विजिट जरूर कर ले। पर आम तौर पे लोगों को ये स्टेज पे बहुत ही लाइट महसूस होता है। काफी सारे साइट्स और ब्लॉग्स ये रिकमेंड करते हैं कि ये स्टेज पे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कम कर लेनी चाहिए, पर आपको अपना रूटीन कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि आपका माइंड खाने से डाइवर्टेड रहे। 21st डे पे जब आप फास्ट तोड़ते हैं तो आपको जो मन चाहे वो नहीं खाना चाहिए। आपके बॉडी को बैक टू नॉर्मल पे आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए आपको लाइट जूसेस से शुरुआत करनी चाहिए। 20 दिन के डाइट के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका थोड़ा वजन कम हुआ है, आपको आपकी स्किन बेटर नजर आएगी, आप नोटिस करेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप आपकी बॉडी की कैपेसिटी बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए आप ही वाटर फास्टिंग का डिसीजन ले सकते हो। हम तो फिर भी ये रिकमेंड करेंगे कि आपको वाटर फास्टिंग पे जाने से पहले एक बार डॉक्टर से राय ले लेनी चाहिए। क्या आपने भी कभी फास्ट किया है? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।